ये है दिल्ली दर्पण। राजधानी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ रहा है कि कल बीते रात एक माइनर परवेज की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है और घटना के 16 घंटे से अधिक बीत गए हैं और ऐसे में पुलिस के हाथ खाली है। ये तस्वीरें देखिए, ये थाना इंदरपुरी का है और ठीक इसी के सामने मैं मौजूद हूँ। जो परिजन है उनका रो रो करके बुरा हाल है। एक परवेज माइनर है और उसकी जो है हत्या नजदीकी पार्क में चाकू से गोद कर की जाती है और जो परिजन है वो ये बताते हैं कि 7 से 8 बार उसके ऊपर हमला होता है और इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला कोई सातिर अपराधी नहीं है बल्कि जो माइनर है उन्होंने इस घटने को अंजाम दिया है। और आक्रोश इतना ज्यादा है कि जो लोग हैं वो अब सड़कों पर उतर गए हैं क्योंकि इंसाफ की मांग ये कर रहे हैं और 16 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद जो दिल्ली पुलिस है उसकी हाथ जो है अभी तक खाली है। हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत कर, क्या घटना हुई? बात ये था कि 2-3 लड़का इनका था, मारने वाला जो था वो लड़का ना जिसको मारा है उनके दोस्त को पहले तो फोन करके बुलाया, एमएलए जो लड़का जो मारा है ना उसको बुला, मतलब पकड़ के ले गया। उसने उसको बोला कि तुमने दोस्त को बुला जिसको मारना था, उसको फ़ोन करके मतलब बुलाया, पार्क में लेकर गया, फिर वहाँ पे जाके उसको चाकू वाकू वहीं पे मारा है। तो साफ तौर पे जो लोग हैं उनका कहना है कि उनको बुलाया गया और उसके बाद, और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो माँ है उनकी, उनका रो रो करके बुरा हाल है। आखिर क्या हो गया? मेरा बाबू का जान ले लिया, चाकू मार दिया, मेरा बाबू का जान ले लिया चाकू मार के, वो खूनी का आदर करो मेरा बाबू के, हमरा बाबू का घर से बुला के चाकू मार दिया हमरा बाबू के। किस तरीके से ये इंद्रपुरी के थाना की तस्वीरें हैं और क्या क्या घटना हो गई? माँ जो है लगातार बेसुध हो रही है, अभी तक इंसाफ की जो मांग है वो की जा रही है। ये देखिए कितना लोग है और यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और लोगों का जो आक्रोश है वो अब बढ़ता जा रहा है। इनसे बात करेंगे। जान भैया जान क्या बता, जान क्या बता, जान 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 जान क्या बता, जो थाना है इंद्रपुरी उसकी तस्वीरें हैं। हालांकि गेट पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, गाड़ी जो है पुलिस की वो मौजूद है, लेकिन आक्रोश इतना ज्यादा है कि जो लोग हैं रो रो कर उनका बुरा हाल है। क्या पूरा घटना है आप थोड़ा विस्तार? भाई ये है ये घटना, ये सारा जो व्यवस्था है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, जातिवाद भाई जातिवाद। अरे एक मिनट में अगर किसी को अभी गोली मारो, अभी चाकू मारो, 2 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। यहाँ 14 से 15 घंटे हो गए, 1 मिनट की कार्रवाई हुई ना अभी तक बोल रहे ये पकड़ा के वो पकड़ा के, कोई सामने नहीं आया, कोई सामने नहीं आया है ये। अरे एक रिपोर्ट तक का नहीं आया सामने ना, 14-15 घंटे में क्या कोई जवाब नहीं आता है? अभी एक लड़का ही पकड़ा नहीं जाएगा, आपको पता है इसने मर्डर मारा है, आप इसके घर पे जाओगे नहीं जाओगे है? इसके घर में ताला लग गया, इसके घर वालों को इन्होंने भगाया है, हमने पकड़ के दिया है, हमने है ये कानून है, ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए कहा जाता है, ठीक है, दूसरों जाति के लिए नहीं है। कितनी घटनाएं जो है इस इंदरपुरी में 2 साल के अंदर 4 मर्डर हो चुके हैं इंदरपुरी में। कोई पुलिस वाला कोई सुनवाई लेने को तैयार नहीं है, सारे पैसे खाते, सारे के सारे ऐसे ही है। कल क्या घटना हुई थी परवेज के साथ, किस तरीके? कल ये हुई थी, वो अब बच्चा अपने स्कूल से आया
घर पे अपना खाना होना खा रहा था, उसके चार दोस्त आए, उन जो बंदे प्लान करके आए हुए थे उसको पहले उसके दोस्तों को फ़ोन करके धमकी दे के उसको बुलवाया कि तू नहीं बुला के लाएगा तो तेरे को मारा जाएगा। तो उसको घर पे जाके उसके दोस्त यार डर के मारे उसको बुला के लेके आए, जैसे ही पार्क में लेके आए वो वैसे ही छूटते ही हमला कर दिया। वो बचने की कोशिश भी करी फिर भी उसको तीन चार बार करे गए, एक दिल पे करा गया, एक छाती पे करा गया, भागने करी में उसकी पीठ पे भी दो बार हुए, ये वहीं पे उसने अपना दम तोड़ दिया। फिर भी पुलिस वाले कहते हैं कि हम देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, और देखा कुछ नहीं जा रहा। खुद यहाँ उसके जो मर्डर किए हैं लड़के, उसकी बहन और उसके रिश्तेदार को पुलिस वाले कह रहे हैं तुम जाओ, तुम्हारे जो रिश्तेदार है ना जो उसके लड़के मारे हैं उसके बाप को बंद कर रखे हैं, जैसे तुम्हारे घर रहते हैं ना वैसे हमारे थाने के अंदर बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और खुद भगाए, उनको पकड़ने के बजाय उनको खुद भगाए हैं यहाँ पे, यही करते भगाए। आपने क्या कुछ देखा? अरे भाई यार भी दर्ज नहीं। देखिए कल हमें पता चला कि ये तीन बच्चों ने हमारे भाई को मारा है और बहुत बेरहमी से मारा है। ये लोगों को नाबालिग बिल्कुल कंसीडर नहीं करना चाहिए, जिस तरह से मारा है, चार बार आगे किया, वो बच सकता था अगर, पर ये लड़ाई उन लोगों ने मारने के लिए की थी। उन लोगों ने जब वो भाग रहा था बेचारा तो उसके पीठ पे भी मारा ताकि वो जिंदा ही ना बचे, उसकी जाते हुए डेथ हुई है, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया जिंदा ऐसे। और मैं कह रहा हूँ अगर इन बच्चों को नाबालिग माना जाएगा और छोड़ दिया जाएगा तो ये लोग आगे भी मर्डर करते रहेंगे, इंदरपुरी में कोई सेफ नहीं रहेगा। ये तस्वीरें थाने के बाहर की है और जो परिजन है वाजिब तौर पर जो घटना में इंसाफ नहीं मिलता है तो आक्रोश लोगों का फूट जाता है। और यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत की, कहना है कि जो दिल्ली की पुलिस है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, लोगों ने अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन अब इनकी मांग है जो अपराधियों को इन्होंने पकड़ा था उनको हाजिर किया जाए, यदि इस केस में कुछ भी अपडेट है तो ये परिजनों से साझा किया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो इन्हें जानकारी देने में बच रही है, इसलिए अब यहाँ पर सुरक्षा के जो व्यवस्थाएं हैं उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो गेट पर पहुंच गए हैं और अंदर की तरफ की अगर तस्वीरें दिखाएं तो गेट को सील कर दिया गया है, जो ग्रामीण है जो परिजन है उनको भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। और साफ तौर पर जो पूरी घटना की बात निकल कर आ रही है कि परवेज को कल शाम में कॉल करके बुलाया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, और घटने के 16 से अधिक घंटे बीत जाने के बावजूद भी ना पुलिस के वरीय अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, ना ही यदि स्थानीय थाने स्तर की बात करें, यदि SHO ने अपने स्तर से जांच की है तो उसकी भी जो अपडेट है या क्या डेवलपमेंट केस में हुआ है वो परिजनों को नहीं दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।